हाँ भाई, क्या हाल चाल? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गुड आफ्टरनून फ्रॉम लखनऊ। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:48। हम लोग आज सुबह मॉर्निंग में आई थिंक यहाँ पे 5, 5:30 के अराउंड पहुंच गए थे। एंड उधर उसके बाद होटल में आने के बाद बस सोए और कुछ किया नहीं है। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं वहीद की बिरयानी। तो वहाँ पे कुछ लंच कर लेंगे अच्छा सा। टुंडे कबाबी के बाजू में ही है। तो अगर आप लखनऊ के बारे में आपको पता नहीं, तो टुंडे कबाबी इज वन ऑफ द फेवरेट बोलते मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे भी आज जाएंगे, बट वो शाम को जाएंगे। बट अभी हम जाते हैं वहीद की बिरयानी पे, वहाँ पे बिरयानी खाएंगे। एंड उसके बाद हम आज जाने वाले हैं अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। तो ज़्यादा कुछ आज करने का प्लान नहीं है, क्योंकि भाई कल थोड़ी तबीयत मेरी डाउन सी थी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ज्यादा आज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। पर क्योंकि हम अभी लखनऊ में और 2 दिन है आज का दिन छोड़ के, तो फिर कल और परसों हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तो चलो फटाफट यहाँ से बढ़ते हैं। एक्टिवा हमने रेंट कर लिए नीचे, एक्टिवा पार्किंग में खड़ी है अपनी। तो अभी आपको सीधा मैं नीचे ही मिलता हूँ। तो गाइस, ये जो पीछे देख रहे हो, ये वाली एक्टिवा हमने रेंट करी है। ये मुझे अराउंड 600 पर डे के पे पड़ी है विथ हेलमेट। तो क्योंकि ये रेंट की है, मतलब रेंट पे ली हुई है, तो इसका एक वीडियो भी पूरा अच्छे से बना लिया मैंने एंड फोटोज भी खींच लिए। तो अगर आप भी कभी रेंट पे कोई भी व्हीकल ले रहे हो, बी इट एक्टिवा, बाइक और एनी कार, तो वीडियो बना लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आप जो कंडीशन में ले रहे हो और कल को कुछ हो गया, किसी ने स्क्रैच मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपके पास एटलीस्ट प्रूफ रहेगा कि आप जब ले रहे थे तो क्या कंडीशन में थी। एनी वेज, अभी जैसे कि आपको बताया वहीद की बिरयानी पे जाने का प्लान है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। तो बहुत भूख भी लग रही है यार जोरों की। तो चलो अभी मैं आपको सीधा वहां पे ही मिलता हूँ। ये है वहीद की बिरयानी और उसके जस्ट बाजू में टुंडे कबाबी है। बाय द वे, इधर बहुत भयंकर ट्रैफिक है यार। अभी शाम को जब आएंगे टुंडे कबाबी तो एक्टिवा लेके नहीं आएंगे हम लोग। सो गाइस, वहीद की बिरयानी जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ प्लेस। टुंडे कबाब भी बहुत बड़ा है कंपैरिजन में। यहाँ पे ज़्यादा सिटिंग की भी जगह नहीं है एंड टेस्ट वाइज भी ये ओके था। यहाँ पे पहले हम लोग ने कबाब और उसके साथ पराठे मंगा लिए थे एंड डेफिनेटली बिरयानी की जगह तो बिरयानी तो मंगाना बनता ही है। एंड बिरयानी खाने के बाद हम चले जाते हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फी ट्राई करने के लिए। यहाँ पे अगेन वी ऑर्डर्ड ऑब्वियसली वहाँ की फेमस केसर की कुल्फी एंड उसके साथ हमने एक फालूदा भी ऑर्डर किया था। दोनों बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पर अम्बेडकर पार्क है एंड उसके जस्ट अपोजिट ये पार्किंग है। तो यहाँ पे आप लोग पार्क कर सकते हो एंड देन वॉक करके सामने पार्क जाते हैं। तो अभी जाके देख लेते हैं यार। मैं तो पहले आया हुआ हूँ इधर एंड बहुत ही खूबसूरत है। तो आई थिंक बहुत आवाज़ रहेगी बैकग्राउंड में, तो मे भी वॉइस ओवर देना पड़ सकता है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसे आप एंटर करते हो, टिकटिंग बूथ इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। तो पहले जाके टिकट ले लेते हैं, बताते हैं कितना रेट है टिकट का एंड यहाँ से मेन एंट्री होगी। तो ये पार्क गोमती नगर में बनाया गया है एंड गूगल मैप से आपको इजीली मिलता है। 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। यहाँ से आप एंटर करते हो एंड जब आप एंटर करते हो तो मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। एंड पूरा पार्क जो है ना, टाइल्स एंड ऑल लगाया गया है नीचे, तो मिट्टी तो मुझे कहीं दिखी नहीं थी दूर दूर तक। एंड ये 108 एकड़ में बना गया है पूरा पार्क। सो इसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करें तो ये मुगल और बुद्धिस्ट स्टाइल को कंबाइन करके बनाया गया है। एंड आप मानोगे नहीं, यहाँ पे 124 लाइफ साइज जो एलिफेंट है उसके स्टैचूज है। एंड यहाँ पे ऐसा उसके अलावा भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आपको एलिफेंट के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। ये जगह कितनी ह्यूज है, लेट मी जूम आउट। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये जस्ट वहाँ से हमने एंट्री की थी ये वाले पॉइंट से, एंड इतना बड़ा है ये। अभी बहुत अंदर तक जाता है वहाँ तक कहीं पे तो। एंड यहाँ पे भी कुछ है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं नेक्स्ट क्या है वो, और आपको पूरा प्लेस एक्सप्लोर करवाते हैं। बहुत ही ह्यूज और बहुत ही प्रिटी। तो ये पार्क का उद्घाटन लोगों के लिए 2008 में अंबेडकर जी के जन्मदिन पर किया गया था, जो कि है 14 अप्रैल। एंड उद्घाटन जो है तभी की मुख्यमंत्री जो थी उत्तर प्रदेश की मायावती, उन्होंने किया था। सो अभी आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग पूरे पार्क में एक म्यूजियम जैसा बनाया गया है, जहाँ पे आपको अंबेडकर जी के बारे में उनकी लाइफ हिस्ट्री और स्टोरी का पूरा पता चल जाता है। तो गाइज, आई होप आप लोग को अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के जो हमने वीडियोज़ बनाए हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो नीचे एक लाइक और एक कमेंट करके बता दो यार कि वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको। अभी वैसे हम टुंडे कबाब भी जाने का सोच रहे थे, बट मेरा लूज मोशन जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी जस्ट जाके फार्मेसी से मेडिसिन ले ली है। तो अभी जस्ट बाजू में एक वेज रेस्टोरेंट मिला है बालाजी करके, वहाँ जा रहे हैं। खिचड़ी खाऊंगा, दवाई लूंगा एंड आई एम होपिंग कि कल मॉर्निंग तक, बोलते ना
जो सरदार जी थे फार्मेसी वाले, उन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस में बोला है कि भाई ये लो और पक्का बंद हो जाएगी कल तक, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो अभी चलते हैं, देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा है। रेटिंग्स तो अच्छी है, अगेन रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन दी वो फार्मेसी वाले सरदार जी ने दिया है, तो अभी जाके खा लेता हूँ, कुछ अच्छा रहेगा रेस्टोरेंट तो मैं बता दूंगा और आप लोकेशन भी नीचे डाल दूंगा। तो गाइस कल रात को जो बालाजी रेस्टोरेंट हम गए थे, वहाँ का खाना तो भाई अमेजिंग था। अगर आप वेजिटेरियन हो और आप कुछ अच्छे ऑप्शंस के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ जा सकते हो। हमने कुलचे ऑर्डर कर रहे थे और दाल खिचड़ी ऑर्डर कर रही थी, बट वो जगह जैसा हम देख रहे थे ना थाली के लिए ज़्यादा फेमस है, 150 रुपीज में आपको बहुत अमेजिंग सी थाली मिल रही थी। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके थाली ट्राई कर लेना। एंड गुलाब जामुन बहुत अमेजिंग दिख रहे थे, हम खा नहीं पाए क्योंकि पेट ठीक नहीं था। पहले वो दवाई जो है पेट ठीक नहीं थी की बात कर रहा था, जो सरदार जी ने दवाई दी थी आई थिंक वो काम कर रही है, अभी अगले दिन की सुबह हो रही है एंड अभी तो मुझे सही लग रहा है। बट ये वाला वीडियो गाइस यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।